Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हमें जी भारत से ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट आशीष सिंह जी ने. बहुत शुक्रिया आशीष, क्या आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच. और बड़ा शोर शराबा है, पहले बताइए आप हैं कहाँ. आजू थैंक्स अगेन इनवाइटिंग, और काफी दिनों बाद आपसे बातचीत हो रही है आपके शो पर. मैं इस समय गुवाहाटी में हूँ और इसीलिए जो शोर शराबा आपको सुनाई दे रहा है वो शोर शराबा एक्चुअली यहाँ पर है पॉलिटिक्स का, लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक का है. लेकिन जो इंडियन पॉलिटिक्स में अब तक के सबसे बड़े पॉलिटिकल क्राइसिस में से एक है वो ये है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट फॉल होने की कगार पर है. तो उसको लेकर कुछ MLAs यहाँ पर लाए गए हैं, होटल में रखे गए हैं, और उसी के बीच में मैं किसी तरह समय निकाल के आपके सामने शो कर पा रहा हूँ, जो कई दिनों से हम डिले हो रहा था, लेकिन फाइनली तो आप मुझे बता रहे थे कि बहुत हंगामा है और वहां पे जो है बिल्कुल वो गवर्नमेंट शायद गिरने की कगार पे है. लेकिन ये है कि अगर हम बात करें थोड़ा सा आपके प्राइम मिनिस्टर साहब की, और वो गए हुए हैं जर्मनी और वहां पे G7 की समिट चल रही है, तो वहां पे लोग ये भी कहते हैं, बहुत बार लोग बात करते हैं कि कोई रिजल्ट नहीं निकलता, कोई आउटकम नहीं है इसका, कि किस चीज पे बात कर रहे हैं, चाहे वो यूक्रेन वॉर हो या कुछ भी. तो उसको आप कैसे देखते हैं कि इस बार कुछ आगे हम कोई कहानी या कोई बात बढ़ते हुए देखेंगे. देखिए अर्जुन, ये केवल G7 का प्रॉब्लम नहीं है, ये आप जितने भी मेजर जो डेवलप्ड कंट्रीज के अगर आप ग्रुपिंग देखेंगे उनमें अधिकतर प्रॉब्लम यही हो जाती है कि वो डिस्कशंस काफी करते हैं, जो रियल प्रॉब्लम्स हैं वो एक्चुअल में डेवलपिंग कंट्रीज टैकल कर रही होती हैं और वो सॉल्व कर रही होती हैं. तो G7 जस्ट एन एग्जाम्पल, वो इसलिए क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो चाहे वो आप ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरमेंट, या फिर टेररिज्म, या फिर रशिया यूक्रेन वॉर, इन सब चीजों उसमें भी आपको दिखाई देगा कि सबके अपने अपने एजेंडा है, सबके अपने अपने स्पेसिफिक कंट्री बेनिफिट्स हैं, और इसीलिए इसके रिजल्ट निकलते नहीं है. मैं ऐसे कई मल्टीलैटरल फोरम्स जो हाई लेवल के होते हैं वहां पे हम कवर कर चुके हैं और कुछ खास निकलते हुए दिखाई नहीं देता. इट बिकम्स एन अपॉर्चुनिटी, अ प्लेटफॉर्म वेयर लॉट ऑफ टॉप लीडर्स मीट, और उसी के मल्टीलैटरल के पैरेलल फुल साइट्स बायलैटरल्स हो जाते हैं, तो एक अपॉर्चुनिटी सी हो जाती है. बट रेजोल्यूशन और स्टेटमेंट्स बहुत पास होते हैं पर ऑन ग्राउंड एक्शन दिखाई नहीं देता है फॉर द रीजंस आई जस्ट मेंशन. एक और बात आप ध्यान दीजिएगा, देखिए तो G7 है अर्जू, आप यूनाइटेड नेशन विच इज द हाईएस्ट ग्लोबल पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, आप उसमें भी देखिए वहां पर कितना कुछ चर्चा होती है और क्या क्या ही निकल पाता है, यू नो. सो वहां सब अपना मोर ऑफ यू नो पर्सनल स्टैंडिंग, कंट्री की स्टैंडिंग, लॉबिंग, ग्रुपिंग, वो सब चीजों में ज्यादा फोकस रह जाते हैं, और जो वर्ल्ड की एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स है वो बहुत कम निकल के आ पाता है. ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं निकलता, लेकिन बहुत कम निकल के आ पाता है. आई गिव यू रियल एग्जांपल, आज की डेट में अगर आप देखें पिछले कई दशकों से, कई डिकेड से, व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड, इट्स टेररिज्म, राइट. और ये यूनाइटेड नेशन हमारा टेररिज्म की डेफिनेशन भी नहीं तय कर पाया अभी तक, यू नो. अगर आपने डिफाइन ही नहीं कर पाया हो कि टेररिज्म है क्या, तो आप एक्शन क्या लोगे, उस पर चर्चा क्या करोगे, वो तो बहुत दूर की बात. तो सिमिलरली ये तो जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको दिया जो वर्ल्ड के सबसे बड़े इशू है उसमें से एक, और G7 में भी वही है, मोर ऑफ एन इकोनॉमिक ड्रिवन एस्पेक्ट्स हो जाते हैं. अगर इन कंट्रीज में बहुत ज्यादा जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं G7 की उनके अंदर बहुत ज्यादा दम होता तो फिर वो रशिया यूक्रेन वॉर ही रुकवा लेते, क्योंकि उसका इम्पैक्ट तो पूरे वर्ल्ड पर ही पड़ रहा है ना. ऐसा तो है नहीं कि केवल यू नो दिल्ली में या फिर इस्लामाबाद में या फिर पेरिस में या फिर वॉशिंगटन में और लंदन में फर्क पड़ रहा है, पूरे वर्ल्ड को पड़ रहा है, पर ये कंट्रीज नहीं कर पाती हैं. तो दैट्स अ प्रॉब्लम. पर एज आई मेंशन कि इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज किया जाता है, एक टाइम सही हो जाता है, एक प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको बहुत सारे लीडर्स के साथ में एक साथ मिलने का मौका मिल जाता है, तो बायलैटरल पुल साइट्स बहुत सारे हो जाती हैं, वहां पर काफी कुछ काम हो जाता है. बट अगेन प्राइमरीली बायलैटरल लेवल पर हो जाता है और मल्टीलैटरल फोरम के तौर पर कम ही काम हो पाता है. बिल्कुल, लेकिन ऐसा क्यों है, और जैसे आपने बताया भी कि ये लोग बार बार यहाँ पे ये भी कहा जाता है बार बार ये मीटिंग्स होती हैं, लेकिन आपको लगता है इसमें कोई और एजेंडा भी शामिल करना चाहिए, कोई ऐसी चीज टेररिज्म के अलावा भी. ठीक है, टेररिज्म एक बहुत बड़ा इशू है पूरी दुनिया का, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़े इश्यूज मौजूद हैं. अभी फूड शॉर्टेज भी चल रहा है कि इश्यूज के ऊपर भी बात हो रही है, पानी के ऊपर भी बात हो रही है, और इस किस्म की चीजें जो मेन जो एकदम से जो कॉमन पीपल है उनको हिट कर दिया है, उसके ऊपर कोई काम हो रहा है इसमें. होता है एजेंडा में तो बिल्कुल होता है आरजू, और इस पर भी काम हो रहा है. फूड शॉर्टेज को लेकर
हमने कई ग्लोबल बॉडीज के इसमें एक्शन और रिएक्शन दोनों देखे हैं। कई कंट्रीज इस पर एक्ट कर रही हैं, इंडिया भी उसमें से एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है। कुछ चीजों पर वीट वगैरह पर हमने एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था, फिर कुछ हल्के फुल्के रिलैक्सेशन दिए गए, तो बहुत सारी चीजों पर एजेंडा में है, वो एक्शन होता है। पर इस तरह की चीजें अज्यूम करना कि शायद G7 हो तो जो प्रॉब्लम है वर्ल्ड की, क्योंकि G7 मीन्स यू नो द 7 मोस्ट डेवलप्ड एंड द लीडर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कमिंग टुगेदर बट फेलिंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो वो एक डायरेक्शन मिलता है, एक दिशा मिलती है, लेकिन इमिडिएटली कुछ सॉल्व होता हुआ दिखाई नहीं देता है। तो ये फूड शॉर्टेज हुआ और ऑयल सप्लाई है, रिसेशन को लेकर काफी कुछ गाइडलाइन पर बात होने वाली है, और बाकी जो आपको इश्यूज बड़े हैं लेकिन रूटीन है वो दिखाई देते हैं, टेररिज्म, जैसे ग्लोबल यूक्रेन वार्मिंग, वॉर है एनवायरमेंट, एग्जैक्टली, लेकिन या तो इन सब यूक्रेन पे हो। वॉर को भी लेकर, यूक्रेन वॉर को भी जो है ये रोकने में अभी तक कामयाब नजर नहीं आए हैं, उसकी क्या रीजन हो सकती है? देखिए वो तो मेन मेन इशू है ना, वो जो यूक्रेन वॉर है, रशिया यूक्रेन वॉर, वो एक मेन जड़ है, उसकी वजह से आपको इन्फ्लेशन, रिसेशन की पॉसिबिलिटी, फूड शॉर्टेज, ऑयल सप्लाई इश्यूज और बहुत सारी चीजें जो दिखाई दे रही है वो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ही है। तो ये सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज जाहिर सी बात है कि सबने अपना अपना एजेंडा, जो शुरुआत में हमने बात की थी कि कई कंट्रीज के अपने अपने एजेंडाज हैं, और वो मोस्टली एजेंडा आपको डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ से दिखाई देंगे, जो स्पेसिफिकली आपको यू नो यूएनएससी के P5 मेंबर्स हैं, G7 जो मेंबर्स हैं उनकी तरफ से दिखाई देते हैं। तो इस वजह से ना क्या होता है कि फोकस तरीके से आपका कोई भी सोल्यूशन निकल नहीं पाता, और इसीलिए डाइवर्ट हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है, आप क्रेडिबिलिटी क्राइसिस वहां पर हो जाती है। आप यूरोपियन यूनियन में ही देख लीजिए, आप नाटो में ही देख लीजिए, सबके सुर एक जैसे नहीं है, सुर अगर एक जैसे हैं भी तो उनमें इंटेंसिटी बहुत ज्यादा आपको दिखाई देगी। लंदन का कुछ एक्टिविटी दिखाई देगी आपको, वॉशिंगटन की कुछ और दिखाई देगी, बर्लिन की कुछ और इश्यूज हैं और पेरिस के कुछ और इश्यूज हैं, तो EU भी और नाटो भी एक साथ में नहीं आ पा रहा है। तो आप G7 या बाकी जो इस तरह के मल्टीलैटरल फोरम से, उनसे आप क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे? देखिए आज हम ग्लोबल वर्ल्ड में रह रहे हैं, और ग्लोबल होने के साथ साथ हम उतने ही लोकल भी हो गए। नाटो और EU की आप एग्जाम्पल देख लीजिए, बर्लिन चाह के भी एक लिमिट के आगे ना रशिया के खिलाफ एक्शन नहीं ले पा रहा है, लंदन हाइपर एक्टिव मोड में एक्शन ले रहा है, वॉशिंगटन बहुत ज्यादा वर्बल एक लिमिट तक हेल्प करता है जेलेंस्की की, और उसके बाद में फिर कदम पीछे हट रहा था कि आपको डिफेंसिव चीजें दे देंगे, ऑफेंसिव नहीं दे देंगे। दे माइट हैव देयर ओन सेट ऑफ रीजंस व्हिच आर जस्टिफाइड एंड राइट, कि ऑफेंसिव वेपन्स देंगे तो फिर वो वॉर में भी कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर व्लादिमीर पुतिन एक्चुअली डिक्लेयर कर सकते हैं World War 3, क्योंकि आप एक्टिव सपोर्ट कर रहे हैं ऑफेंसिव वेपन्स के तौर पर। सो एज आई मेंशन, सबके अपने अपने रीजन है, बर्लिन के अपने गैस सप्लाई के इशूज हैं, आप इंडो नॉर्डिक जो सॉरी नॉर्डिक कंट्रीज हैं, बाल्टिक कंट्रीज हैं, वहां पर आप देखिए उनकी अपनी डिपेंडेंसी, अपने इश्यूज हैं। तो लोग चाहते तो हैं, चाहे वो नाटो मेंबर हो या फिर EU मेंबर हो, कि रशिया पर एक्शन लिया जाए, पर द सेम टाइम उन्हें उनकी गैस भी चाहिए, उन्हें उनकी फ्यूल भी चाहिए, उन्हें उनसे बाकी जो सप्लाई चीजें मिलती है वो सब भी चाहिए। ये डिपेंडेंसी है, चाह के भी न चाह करने न चाह के भी चाहने वाली बात है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड है, और इसीलिए लोग आपको एक साथ में नहीं दिखाई देंगे किसी भी चीज को लेकर। बहुत ही रेयर टॉपिक्स एंड ओकेजन्स होते हैं जिसमें वर्ल्ड लीडर्स और वो जो टॉप कंट्रीज हैं वो एक साथ में एक सुर में बात करें और एक साथ में आगे बढ़े, और इसीलिए वो रशिया यूक्रेन वॉर आप देखेंगे जल्दी से एंड नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे मल्टीलैटरल जो फोरम्स हैं, जो आपने पिछले लगभग 3.5-4 महीनों में देखा होगा, उनकी क्रेडिबिलिटी क्राइसिस की इशू हो गई है। आप हेल्थ के डोमेन में देखिए तो WHO की क्रेडिबिलिटी क्राइसिस चल रही है ना, कोविड के बाद में हमने देखा WHO ने क्या किया, उसके पहले क्या किया, उसके दौरान क्या किया, उसके 2 साल बाद क्या कर रहे हैं। आप WTO को देख लिए, आप IMF को देख लीजिए, आप वर्ल्ड बैंक को देख लीजिए, आप वेस्टर्न कंट्रीज को देख लीजिए, इन सबकी क्रेडिबिलिटी क्राइसिस के इश्यूज हुए हैं। कुछ सही वजह से हुए हैं, कुछ गलत वजह से हुए हैं, जैसे सेपरेट डिबेटेबल पॉइंट, पर वो रिस्पेक्ट रहा नहीं कि रशिया को आप लोग मिलके, या कोई एक ग्रुप ऐसा हो या फिर कोई एक फोरम ऐसा हो जहां से उसके लिए एक ऑर्डर जाए और वो मान जाए। वो रशिया को भी पता है, कर लो आपको जो करना है, हम नहीं मानेंगे। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने देखा है कि ये कंट्रीज और जो मल्टीलैटरल फोरम्स हैं, इंटरनेशनल का एक फोरम है, वो अपने अपने बेनिफिट और कंट्री ड्रिवन एजेंडाज के हिसाब से चल रहे हैं, तो उसने उसका फायदा उठाया व्लादिमीर पुतिन ने, और इसीलिए
आज 100 दिन से ज्यादा हो गए हैं और वर्ल्ड वॉर सॉरी वॉर चला जा रहा है, कुछ 19-20 हो जाए तो शायद वर्ल्ड वॉर में भी कन्वर्ट हो। बिल्कुल ऐसा भी लोग समझ रहे हैं, लेकिन लोग बाहर यही चाहते हैं कि अगर ये लोग बैठते हैं, बात करते हैं, बार बार मिलते हैं, तो फिर कोई ना कोई इसका हल।